झारखंड विधानसभा सत्र के आज जो अंतिम दिन है, ये अंतिम दिन काफ़ी अहम रहा, क्योंकि आज जिस तरह से कल अनुपूरक बजट पेश किया गया था, आज झारखंड विधानसभा सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। वहीं अनुपूरक बजट पर चर्चा के साथ साथ जो है कई मुद्दे जो हैं आज झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए। वहीं इस दौरान जो है सत्ता पक्ष के जो विधायक और मंत्री जी जो हैं सदन से बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है। तो हम सुनाते हैं कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं और सत्ता पक्ष के विधायक यानी खिजरी के विधायक राजेश कच्छप क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मैं कल 2 बजे से राज्य के स्वास्थ्य विभाग का मॉनिटरिंग कर रहा हूं। जी, आपने देखा कल एक दिन पहले मैंने खाद्य विभाग का मॉनिटरिंग किया। हाँ बेटा, तो कई प्रकार की गड़बड़ियाँ मिली जो हमारी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका सपना था कि साड़ी धोती लुंगी हमें बांटे 16 सौ योजना के तहत, लेकिन जो मोबाइल से वो अच्छा नहीं दूर से ना ऊपर और 5 kg अनाज मिलता था गरीबों को, अब हमें 7 kg कर एक जगह रखिए। टूजी के तहत जो नापतल होता था अब 5G और गांव में हम देने जा रहे हैं। धान क्रय 15 तारीख से एकदम 1 क्विंटल हम देंगे 2400 रुपये, तो थोड़ा समय दीजिए, मैं अच्छा कैसे मान लें राज्य का नाम एकदम रोशन होगा। और ख़ास करके कल जो भाषण हुआ हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का, उसमें तो हमारे पत्रकार भाई भी है, हमारी सरकार ला रही है, आप लोग की बेहतर के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप सबसे भी आग्रह होगा कि जिस तरह से विपक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने भाजपा ने वो कहा, ऐसा मत बोलिए, बोलिए कि सत्ता पक्ष ने क्या कहा, सत्ता पक्ष ने क्या काम किया, इरफान अंसारी क्या काम कर रहे हैं, ये भाजपा से पूछिए, उसके बाद हमसे बोलिए। ठीक है, वो इसीलिए कल तो कल अनुपूरक बजट पेश किया है, कल हम लोगों ने पैसा नई सरकार ने हम लोगों ने पैसा उसके नैया सम्मान पे डाला है। हमारी सरकार कह रही है इससे बड़ा पंचायत तो कहीं है नहीं, हमने पंचायत से भरी पंचायत में हमने कहा है, वहाँ मैं राज्यपाल ने अनाउंस किया है, फिर बचता क्या है। देखिए, हम विश्वास की बुनियाद पर टिके हुए लोग हैं। सदन के अंदर बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, पूरी नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, वैसी नहीं है। आप मान लीजिए कि बेबुनियाद बात अगर विपक्ष अगर आरोप लगाए, बेबुनियाद बातों को करे, वॉकआउट करने के लिए वो करे, तो उनको नहीं सुना जाएगा। लेकिन जो सवाल महामहिम राज्यपाल का हो, जो सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, जो सवाल का जवाब माननीय मंत्रियों का हो, विधायकों के द्वारा जो सदन में जो सवाल उठाए जाते हैं, हमारी सरकार सदन से स्वीकार है, हम उस पर निश्चित कौशल करें। थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में आदिवासियों मूलवासियों को 75% रिजर्वेशन से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, उसमें जो है वो अनुचित करार दिया है। देखिए, हाईकोर्ट सरकार थोड़ी चलाती है, सरकार चलाती है, चुनी हुई सरकार चलाती है, नियम कायदे कौन बनाती है, हम जो नियम कायदे बनाते हैं हाईकोर्ट उसी को ना चलाती है। नियम कायदे जुडिशियरी थोड़ी नियम कायदे बनाती है, जुडिशियरी उसको मॉनिटरिंग कर सकती है। नियम कायदा बनाने का जिम्मेवारी सरकार को है और उसको अनुपालन करने का जिम्मेवारी राज्यपालिका को। आदिवासियों मूलवासियों को उनका जो हक है वो दिलाएंगे, बिल्कुल निश्चित तौर से होगा। अच्छा सर, कांग्रेस के विधायक अभी भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, नाराज है कि मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली और उनको जगह नहीं मिला तो अब वोट निगम में मिलना चाहिए, इसको लेकर नाराज। देखिए, वो आला कमान तय करता है, जिनको जिम्मेवारी मिली है उनको जिम्मेवारी मिली है, उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। लेकिन ये बात भी सत्य है, आप घर कैसे बनता है आपको इसको जानिएगा, तभी घर बढ़िया बना पाइएगा, संगठन भी वही चीज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।